भाई और ये देख रहे हैं आप भाई, मेरा शूट अभी बिल्कुल ख़त्म हुआ है और ये मेकअप दुकान के पास ऑलरेडी पहुंच गया होगा बना। तो ये देखिए तैयारी है मेरी, ये देखिए ये स्टैंड एंड मेरा ये दोनों वैनिटी बॉक्स रखे हुए हैं। सो ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिलहाल रखी हुई है और बस मैं यहाँ पे शूट कर रही थी क्योंकि बेड में जलता नहीं है ना मुझे, इसीलिए मैं मुझे यहाँ सही लगता है। मेरे पैर में इतना पेन मार रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा पेन भी चल रही थी, दो दिन से काफ़ी ज़्यादा पेन भी है। और बस कैसा लगा ये बताइएगा जरूर फिलहाल। और अब बस चाय पीने का मन हो गया, देखो सी आई ब्लैक कलर का अगर आपको नख स्टोन मिलेगा ना ब्लैक कलर का, देखो यहाँ से निकल गया इससे। हेलो एवरीवन, और बस बहुत सारे अभी मैंने मेकअप लुक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है मेकअप लुक का वीडियो। सो फिर मैंने कपड़े सोचा मुझे और भी अनबॉक्सिंग करने थे और रिव्यूज़ करने थे, तो मैंने कहा कि यार अभी अगर मैं कपड़े चेंज कर दूँगी फिर से मुझे कपड़े चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, और मुझे ना मतलब नेट की साड़ी इतनी ठंडी लग रही थी, ओ माय गॉड बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और बस ये साड़ी बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, इस वजह से मैंने पूरा इसका टोटल लुक आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी ये वाली साड़ी। नॉर्मली ऊपर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नहीं बहुत अच्छी है ये वो, पर मुझे इतनी खास नहीं लगी और क्वालिटी भी बहुत बेकार थी। पर ठीक है, मुझे नॉर्मली मुझे जो चीज़ के लिए चाहिए था मेरे काम चल गया बस। और ये मेकअप लुक आप लोगों को वैसे ऑलरेडी इससे पहले ही मेकअप लुक का वीडियो आप लोगों के पास ऑलरेडी पहुँच ही गया होगा। सो बस ये वीडियो अभी तो फिलहाल कोई भी। हेलो एवरीवन, 5 घंटे से लगभग हाँ ऐसे ही मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, मुझे इतनी ठंडी लग रही है, मेरी हालत ख़राब हो रही है। और पता नहीं बाहर बहुत सॉन्ग चल रहा है, भजन हो रहे हैं, बगल में बर्थडे है किसी का, तो क्या बोलते हैं उसको अक्सर कमाया होता ना वो, तो इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है मुझे। ऑलरेडी दो तीन वीडियो और शूट करनी थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं तैयार हुई हूँ तो मैं वीडियो भी जो है मुझे और शूट करना है तो वो भी मैं कर लूँ। तो इतनी ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही है। ये आप मेरा लुक देख सकते हैं साड़ी का, और पूरी साड़ी का लुक नहीं दिखाया मैंने इसलिए ना, क्योंकि साड़ी ये वाली ना मैंने जहाँ से मंगवाई है साड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब आई हुई है, तो मैंने इसीलिए मेकअप लुक में जो है ना इसकी साड़ी का मैंने पूरा लुक नहीं दिखाया है फिलहाल, क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा बेकार है। और नॉर्मली मुझे रेड साड़ी चाहिए थी मेकअप लुक के लिए, तो मैंने कहा मुझे ऊपर का रेड ये चाहिए था, तो मैंने कहा मुझे बस ये काम आ जाए बस और कुछ नहीं, और इस तरह का है। और एक साड़ी और मैंने मंगवाई है तो वो भी आई तो नहीं है, हो सकता है कल तक आ जाए, आज 1 फरवरी है। और मुझे ये लुक किसी भी तरह से करना था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मतलब वैलेंटाइंस डे लुक में करूँ, पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई हूँ। आईज़ मेकअप मतलब अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, पर जिस टाइप का करना चाहती थी वो नहीं हुआ। और ये देखिए ये अभी आ गए हैं चावल वगैरह लेकर, तो और क्यों चलोगे, मैं भी चलूँ क्यों? हाँ दिक्कत तो हो रही है मेरे पैर में, मतलब क्या है ना कि दो के तीन दिन से काफ़ी ज़्यादा पेन बढ़ चुका है, स्वेलिंग भी काफ़ी आ गई है और पैरों की बहुत बुरी हालत है इस समय, ये समझ लीजिए, क्योंकि 2-3 बार मैं यहाँ वहाँ भड़बड़ाते मतलब गिरते गिरते बची हूँ तो इस वजह से। और बस अब कुछ वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, तो बस कर लूँ फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, पता है। हेलो एवरीवन, और बस मेरे तीन अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने जो है ना अभी अपलोड कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना मतलब आराम किया जा रहा है, देख रहे हैं, और सारे कपड़े वपड़े जो है ना कपड़े जितने भी पहनते हैं तो सीधा उठा के ऐसे फेंक दिया जाता है मेरे तो। और ये देखिए इनको अभी इनका बैग का मैंने दिखाया था, इनके लिए मैंने बहुत अच्छा बैग मंगवाया हुआ है, तो फ्लिपकार्ट अनबॉक्सिंग अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और बस कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ रखे हुए थे तो मैंने सोचा उसको भी रख दूँ मैं, इतनी देर से ठंडी में ये समझिए 7 बजने वाला है, हमें दोपहर से ऐसी साड़ी पहनी है ना क्योंकि कई वीडियो शूट करने थे और अब मेकअप वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है और बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर मैंने आज वीडियो किया है। तैयारी करने में भी मुझे टाइम लग गया 1 घंटा। और ये बैग रखना है वैनिटी ये वाला, और ये वाला इसको भी रखना है मुझे, तो मुझे ये सारी चीज़ आज निकालनी पड़ गई है, तो अब मुझे एक एक कर तो आज मुझे ये भी वो करना पड़ा तो इसी वजह से, और रिंग लाइट वगैरह तो इसमें गड़बड़ हो गई है, बेटा मेरा घसीट घसीट के जो है ना इसका यहाँ से इसको घसीटे यहाँ से तार वो हो गया गड़बड़, तो ये चलता इसके लाइट मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रही है फिलहाल, मैं थोड़ी देर मैंने चालू कर लिया पर मैं सोचती हूँ कि कोई वैसी लाइट लूँ, पर यार ऑलरेडी मैं बार बार क्या खरीदूँ मुझे ये लगता है,
तो मैं किस तरह से मैनेज कर ही रही हूँ लाइट का, मेकअप लुक का, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी रोशनी आती है, अच्छी लगती है। और बस ये सारी चीज़ें मैं सामान रख दूँ, फिर मैं आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें रखनी है मुझे वहाँ पे। वैरायटी उसका ना वो बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स में ही फिलहाल मैं रख रही हूँ ना, क्योंकि अभी अलमारी अंदर बन जाएगी तो मुझे सही रहेगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और बस डिनर का टाइम आ गया है तो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो आज बनी है मटर और गोभी की सब्ज़ी, किसी किसी पसंद है, और पूड़ी। और बस हम लोग डिनर कर रहे हैं। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया था और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी यार, इतना मतलब मेकअप लुक, और फिर उसके बाद मैंने कम से कम 4-5 वीडियो शूट की, तो बहुत ज़्यादा थक गई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके बाद मुझे और भी बहुत अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगे, और मतलब अनलिमिटेड, मतलब बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होगी, वीडियो बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।